गाइस, नमस्कार, सस्त्याकाल, आदाब, सलामे वालेकुम, जय जनेन, ओहायो गोजाइमास। दोस्तों, आपके सुंदर से चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान ले आइए और अपने ये दो नेचुरल कानों के टुकड़ों को और ये आई कैमरे को इस वीडियो पे ध्यान से देखिए। मैं जानती हूँ दोस्तों, इस लॉकडाउन में आप लोग घर पे बैठे बैठे बहुत ही बोर हो गए हैं, क्योंकि ना ही आप कोई पार्टी कर सकते हैं, क्योंकि हमें सोशल डिस्टेंसिंग जो मेंटेन करके रखनी है, और ना ही कोई बर्थडे सेलिब्रेशन में जा सकते हैं। तो आप टेंशन मत कीजिए, क्योंकि आपकी होस्ट एंड दोस्त एंटरटेनमेंट शेफ अंजलि फ्रॉम क्रिएटिव कल्पना आ गई है लाइव। किसी भी कंपटीशन को ऑनलाइन अरेंज करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होती है प्लानिंग। हमारा स्टेप वन है प्लानिंग। हमारे इस कुकिंग कंपटीशन के लिए मैंने अपनी फैमिली का एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया, जिसमें रूल्स मैंने सेंड किए। रूल्स को अच्छे से समझने के बाद सभी पार्टिसिपेंट्स ने अपना नॉमिनेशन कन्फर्म किया। नॉमिनेशन कन्फर्म करने के बाद उन सभी को अपने अपने वीडियो और कुछ फोटोग्राफ्स ऑर्गेनाइज़र को पर्सनल मैसेज करने थे, जो उन सभी ने कर दिए। जब ऑर्गेनाइज़र को सभी के टाइम पर वीडियोस और फोटोग्राफ्स मिल गए, तो ऑर्गेनाइज़र ने उन्हें प्रॉपर्ली एडिट करके सभी जजेस के सामने प्रेजेंट किया एज अ स्टेप टू एग्जीक्यूशन। आइए देखें कुछ एग्जाम्पल्स और सैम्पल्स फ्रॉम दैट कॉम्पिटिशन। आज के स्वीट डिश कुकिंग कॉम्पिटिशन में मैंने बनाई है एक डिश जिसका नाम रखा है स्वीट नेस्ट। जैसा कि हम जानते हैं, इंडिया में फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन का ही पूरा पालन करते हुए घर पे ही अवेलेबल चीज़ों से मैंने आज एक बंगाली स्वीट डिश बनाई है जिसका नाम है संदेश। उसको भी थोड़ा अलग बनाने के लिए मैंने उसको फ्लेवर किया है, इसलिए आज मैंने बनाया है रोज संदेश। ये है मेरी स्वीट नेस्ट। इसके लिए मैंने वर्मिसली को रोस्ट करके एक नेस्ट का शेप देने की कोशिश की है। उसके अंदर एग को रिप्रेजेंट करते हुए मेरे रोज संदेश हैं। रोज संदेश बनाने के लिए केवल और केवल मुझे सिर्फ तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी है, जो कि है दूध, रोज एसेंस और रोज सिरप, और बन गए मेरे रोज संदेश। उसी के साथ साथ मैंने बनाए हैं श्रीखंड कप्स। श्रीखंड जो कि हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, और स्वीट डिश के नाम पे सबसे पहले हमारे यहाँ श्रीखंडे बनता है। इसी के साथ साथ हमने जो डेकोरेशन किया है वो भी घर पर रहकर ही, मेरी टेरेस से मैंने ट्री की लीव्स और फ्लावर्स यूज़ करके डेकोरेशन किया है, उसे एक नेचुरल लुक देने के लिए। आई होप आपको ये पसंद आएगा। थैंक यू। सभी को जय जिनन। आज मैंने ये मैंगो ग्रेप्स डिलाइट स्वीट डिश बनाई है, और ये एक बहुत ही हेल्दी डिश है, क्योंकि इसमें फ्रूट्स का यूज हुआ है। और इसमें मैंने सबसे पहले मैंगो का पल्प बनाया, और उसके बाद दूध को बॉईल किया और उसके लच्छे बनाए, रबड़ी लच्छे, और एक बाउल में मैंगो पल्प रखकर उसके ऊपर ये रबड़ी को डेकोरेट किया, उसके ऊपर ग्रेप्स रखे, और मैंगो पल्प में मैंने छोटे छोटे मैंगो के पीस करके भी डाले हैं, और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी होती है। मैं आप सभी को चाह रही हूँ कि खिलाऊं, लेकिन खिला नहीं सकती, क्योंकि अभी हम सब दूर दूर हैं। जब भी आप लोग मेरे आएंगे, मैं आपको एक डिश बनाकर जरूर खिलाऊंगी। हेलो गाइस, जय जिनेंद्र। आज मैंने रबड़ी विद लड्डू शॉर्ट्स बनाए हैं, तो आइए इस तेज गर्मी में ठंडी ठंडी रबड़ी और लड्डू का लुफ्त उठाते हैं। जिसके लिए हमें जो मुख्य सामग्री चाहिए, दही जिसका मट्ठा हमें चाहिए, आम का गूदा, कुछ ड्राई फ्रूट्स, केसर और शक्कर। आप जानते ही हैं गर्मी का मौसम है और आम खाना किसे पसंद नहीं है। हाय फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने वाले हैं मैंगो बनाना मस्तानी। ये आपको बहुत ज्यादा आनी होगी इसकी लॉकडाउन में, और खास करके अभी गर्मियां चल रही है इसलिए। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है मैंगो, उसके बाद मिल्क, और उसके बाद थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं आपको, थोड़ी सी शुगर और थोड़े से सब्जी के बीज, रोबसा और ओरियो ऑप्शनल है अगर आप
पनीर लगाना चाहते हैं तो आप स्टिप दिखा सकते हो। ये मैंने टॉपिंग के लिए लिया है और ये लास्ट इंग्रेडिएंट हमारा बनाना आइसक्रीम। आप चाहो तो वनीला आइसक्रीम भी ले सकते हैं। तो मैं फिर से आ गई। ये देखिए मेरा मैंगो मस्तानी रेडी हो गया है। देखो लग रहा है ना बिल्कुल टेम्पटिंग। हे फ्रेंड्स, मैं हूँ आज की आपकी होस्ट और दोस्त शिशिका और आज मैं आपके लिए इस समर्स में लाई हुई कूल और फ्रेशिंग ड्रिंक जिसे पीकर आप बिल्कुल काम हो जाएंगे। तो आज की इस ड्रिंक का नाम है ताजगी तरबूज और आप इस नाम को देख के समझ ही गए होंगे कि इस ड्रिंक का हीरो इंग्रेडिएंट होगा हमारा वाटरमेलन। तो हम सबसे पहले इस ड्रिंक की क्विक रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए वाटरमेलन, थोड़ी सी शुगर, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट यानी काला नमक और हमें चाहिए सूखा पुदीना। और अगर आपके पास सूखा पुदीना नहीं हो तो आप ड्राई पुदीना भी यूज कर सकते हैं। हम इन सबको मिक्सिंग में मिला के एक क्विक मिक्सचर बना के ऐसा जूस ले लेंगे और इसे हमें फ्रीज करना है और फ्रीज करने के बाद हम जब इसकी आइस जम जाए तो उसे क्रश करके ड्रिंक एक ग्लास में सर्व कर सकते हो। उस पर आपकी मनपसंद डेकोरेशन कर सकते हैं जैसे कि एक वाटरमेलन का पीस लगा सकते हैं, एक लेमन पीस लगा सकते हैं, सॉल्ट डाल सकते हैं। तो ऐसे ही हमारी आज की ताजगी तरबूज की रेसिपी खत्म होती है और हमारे पास एक फाइनली मिलता है हमें एक बहुत कूल और रिफ्रेशिंग ड्रिंक और मुझे होप है कि आपको ड्रिंक खूब पसंद आया होगा। सो चीयर्स। सभी के वंडरफुल वीडियोस और पिक्चर्स देखने के बाद आइए सुनिए जजेस ने अपने कमेंट्स किस क्रिएटिव अंदाज में दिए। ग्रुप के सभी सदस्यों को मेरा जय जिनेंद्र। कल के स्वीट डिश कुकिंग कंपटीशन के विनर्स घोषित करने से पहले मैं कुछ चंद पंक्तियां बोलना चाहती हूँ। बच्चे हो या बूढ़े, ये बनाए सबको हलवाई, हर मौसम हर त्योहार लड्डू बर्फी सबको भाए, संदेश हो या मस्तानी, रबड़ी हो या लड्डू, सब शौक से खाए। ग्रुप से हमें मीठे पकवानों की खूब भीनी भीनी खुशबू आए। और इसी सुरीली आवाज में हमारी जज श्रीमती आशा जी ने सभी को अनाउंस किए हमारे विनर्स और उसके बाद सब हो गए सुपर एक्साइटेड। आप लोग भी अपने घर पर इसी तरह का कुछ कंपटीशन कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।